मुझे पूछना है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके टाइम पर उसके ग्रह नक्षत्रों का क्या असर होता है? बहुत बड़ा। कितना असर होता है? इतना बड़ा असर होता है कि राम जी जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए, नासा के वैज्ञानिकों ने जब वही ग्रह नक्षत्र अपने सॉफ्टवेयर में डाला तो राम जी के जन्म की तारीख निकल के आ गई 8 लाख साल पुरानी। मतलब तारीख, जैसे आज आपका जन्म हुआ और आज आपने अपना हैप्पी बर्थडे टू यू माना कि आपने 20 तारीख का मनाया 24 तारीख का, तो अगले साल इसी तिथि को 24 तारीख आएगी? पॉसिबल नहीं है, पर तिथि पॉसिबल है। तिथि वहीं रहेगी, तिथि कहीं जाने वाली नहीं, महीना भी वही, तिथि भी वही। इसलिए तारीख प्रमाणित नहीं है, तिथि प्रमाणित है। इसलिए नासा भी तिथि पर काम करता है, तारीख पर नहीं। तारीख पर नहीं, लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं उस टाइम पर ग्रह नक्षत्रों का क्या असर दिखाई देता है? हमारे ग्रह नक्षत्र के अनुकूल ही हम चल फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, परंतु भगवान की कृपा, आप मानो ग्रह नक्षत्र के चक्कर में ना पड़ो, होते सब हैं। यस अप यस, ये सब सब 6 चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यस अप यस विधि हाथ उसके हाथ में। इसलिए आप अपना अच्छा काम करो, ग्रह नक्षत्र के चक्कर में ना पड़ो तो ही अच्छा है। लेकिन हम अच्छा करते हैं, हमें बुराई क्यों मिलती है फिर? वो तो देखो, आम सबको फल देता है, फिर भी उसको लाठियाँ पड़ती हैं, फिर भी पत्थर पड़ते हैं उस पर। जो अच्छा होता है उसी को लोग बुरा कहने की कोशिश भी करते हैं, जो अच्छा नहीं है उसे बुरा भी कोई नहीं कहेगा। तो जो अच्छा है उसी को बुरा कहने की लोग कोशिश करेंगे, तो आप अच्छे हैं इसलिए लोग बुरा भी कहेंगे। जो आगे बढ़ रहा है उसी को तो लोग पकड़ के खींचेंगे, जो बढ़ ही नहीं रहा उसे खींचेंगे भी क्या। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, खुश रहिए। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। राधे राधे गुरु जी। हाँ भैया, राधे राधे। आप लोग जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। स्वामी जी, मेरा सवाल है कि ये रामानुज स्वामी जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे, तो क्या उनको स्मरण था कि हाँ, वो शेषनाग के अवतार हैं? हाँ, फिर उन्होंने भक्तों को दर्शन भी कराया था अपने शेष अवतार का। अच्छा, तो फिर तो स्वामी जी आपको भी ज्ञात होगा कि आप किस चीज के अवतार हैं। ना ना, वो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, हम तो उनके चरणों की धूल हैं, तो हम तो सामान्य प्राणी, हमें तो कुछ भी याद नहीं, कल क्या खाए थे वो तक याद नहीं है। नहीं, आप साधारण पुरुष तो नहीं है। नहीं, साधारण ही है, हम साधारण ही हैं, आपकी तरह, सामान्य बच्चों की तरह, सबकी तरह हैं हम। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। गुरुजी श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। गुरुजी, कांसी के व्रत में नमक खाना चाहिए या मीठा? सेंधा नमक खा सकते हैं। सेंधा नमक खा सकते हैं, और सेंधा नमक ही खाना चाहिए 12 महीना। ये नमक सफेद वाला तो बड़ा हानिकारक होता है। और कोई बोलता है गुरुजी की नमक तो खाना ही नहीं चाहिए, फलहार खाओ बस। हाँ, सेंधा नमक खा सकते हैं। खा सकते हैं जो भारतीय, अपने भारत में ना वो गुलाबी कलर का ढेला मिलता है राजस्थान तरफ और वहाँ हरियाणा तरफ, वो नमक सबसे शुद्ध भारतीय नमक है। और गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए बस। खुश रहिए। आपकी कथा सुनने की इच्छा थी, आज पूरी हो गई। अच्छा लगा आपको? हाँ जी। क्या अच्छा लगा? कथाएं अच्छी लगी, रोज सुनती हूँ। कथा में क्या अच्छा लगा? कथा में सब कुछ अच्छा लगता है, आप भी अच्छे लगते हैं, वृद्ध माओ के आश्रम दर्शन किए वो भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा है। खुश रहिए। ठीक है, श्री वंदना। जय मन श्री नारायण गुरु जी। जय मन श्री नारायण नहीं, जय श्री मन नारायण। जय श्री नारायण गुरु जी। जय श्री मन नारायण।